वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन का आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अपने सबका टॉपिक के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देखा था। आज के इस टॉपिक के अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने से पहले बेटा एक बात नोटिस में रखिएगा कि किसी भी रोटेशनल मोशन के अंदर हमेशा जो जिस्म के पास काइनेटिक एनर्जी है ये दो फॉर्म्स के अंदर होती है, दो शक्लों के अंदर होती है। देखें बेटा रोटेशनल मोशन, जिस्म रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग के दौरान काइनेटिक एनर्जी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तो काइनेटिक एनर्जी उसकी रोटेशन की वजह से होगी, रोटेशन करते हुए फिर वो आगे ट्रांसलेट भी हो रहा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास होगी। तो ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी की दो फॉर्म्स जिस्म के पास होती हैं, एक उसकी रोटेशनल मोशन की वजह से होती है, दूसरा बेटा वो ट्रांसलेट भी हो रहा होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन भी होती है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इसके साथ शामिल हो जाती है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को सिंपली डिफाइन करते हैं बेटा, द एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, कि किसी भी जिस्म की एक एक्सेस के गिर्द रोटेशन की वजह से अब उसके पास जो एनर्जी होगी बेटा उसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब इसका फार्मूला है, लेट्स फर्ज कर लेते हैं हमारे पास कोई एक बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है इस एक्सेस के गिर्द, ये कोई एक्सेस है जो उसमें से पास कर रहा है। अब इस बॉडी के लिए अगर इसकी एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाए, और फर्ज कर लें कोई आपके पास एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास है m1, और इसका सेंट्रल पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर है वो बेटा अगर r1 से जाहिर कर लिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ m1v1 स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है बेटा, अब v लीनियर वेलोसिटी इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इसको लिखना चाहेंगे तो v1 बराबर होगा बेटा r1 ओमेगा। इसकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दें, v1 का स्क्वायर है तो यहाँ से आपके पास r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रिलेशन कैलकुलेट हो जाएगा, तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी सेकंड वन पार्टिकल के लिए, आपके पास कोई एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, आप रिजिड बॉडी अगर कंसीडर कर लेंगे तो रिजिड बॉडी के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरे किसी मास के लिए हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तीसरे किसी पार्टिकल के लिए जिसका मास m3 हो उसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाएगा, अप टू सो ऑन। nth पार्टिकल के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे तो हाफ mn ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, ये तमाम तर पार्टिकल के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा आपने डिफाइन कर ली। अब टोटल किसी एक रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो फर्स्ट वन पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरे पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीसरे पांचवें की, छठे की, अप टू सो ऑन, nth पार्टिकल की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है सबका मजमुआ करेंगे। अब इनके अंदर देखें ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है, अलग करें, इधर से देखें हाफ भी सब में कॉमन है, अलग कर दें, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर, तो ये हमें इनर्शिया ऑफ द बॉडी, तो बेटा ये सारी चीज़ें m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn और n स्क्वायर, ये हमारे पास समेशन, i वेरी करेगा 1 से लेकर n तक, mi ri स्क्वायर, ये हमें बेटा किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, ये हम सबका अपने लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो इसीलिए इस सारे टर्म को हाफ कॉमन था, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन था और बाकी इनर्शिया की वैल्यू को लिख देंगे तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी का रिलेशन हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसकी अमलन एप्लीकेशन है हमारे पास के फ्लाई व्हील्स आपने देखे होंगे जो कि अमूमी तौर पर काफ़ी सारे इंजन का पार्ट्स होते हैं, तो एक फ्लाई व्हील के पास जो एनर्जी होती है बेटा वो उसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड हुप, कि आपके पास एक रिंग हो और दूसरा हमारे पास अगर डिस्क हो तो इनके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, अमूमी तौर पर अक्सर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा चुका है। बहुत आसान है, ईजी है, थोड़ा सा गौर करके बैठिएगा बेटा। बेटा फ़र्ज कर लेते हैं हमारे पास एक डिस्क है और दूसरी तरफ हमारे पास है बेटा हुप, वो रिंग सा जिनको एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा गया है जिसकी हाइट है बेटा h। अब इस हाइट के ऊपर
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देखा कि अगर इसको डिस्क के लिए कैलकुलेट करना चाहें, एक केस बना देते हैं अलग से, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हम पढ़ के बैठे हैं। किसी एक डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमने बेटा कैलकुलेट किया था, ये इनर्शिया की वैल्यू बेटा हमारे पास होती है हाफ एम आर स्क्वायर। ये टेबल चार्ट मैंने आपको सबका लेक्चर के अंदर कराया था। अगर तो इनर्शिया इसका ये है हाफ एम आर स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बराबर होगी, हाफ तो ये मौजूद रहेगा, इसके बाद इनर्शिया की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे हाफ एम आर स्क्वायर, और इधर से ओमेगा स्क्वायर बाहर लिख दें, हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बनेगा। हम जानते हैं वी बराबर है आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द सर्कल और एंगुलर वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर। वी स्क्वायर करना चाहेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आपके पास बनेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर से रिप्लेस किया जा सकता है 1/4 एम वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर स्पीड ऑफ द डिस्क को कैलकुलेट करना चाहें, देखें एक हाइट के ऊपर किसी भी जिस्म के पास हमेशा जो एनर्जी होती है वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर होती है, जब जिस्म हरकत करता है तो उसके पास काइनेटिक आती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एक हाइट के ऊपर रखी गई इस डिस्क के पास, तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे ये हरकत में आती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती चली जाती है। अब यहाँ पर हमने वही सारा रिलेशन कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी किस के अंदर है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में बदलती चली जाएगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब चूंकि जिस्म रोटेशनल मोशन के अंदर है, तो पहले ही मैंने कहा था कि रोटेशनल मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक तो उसकी रोटेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी, दूसरा बेटा वो ट्रांसलेट भी कर रहा है। ठीक है बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन भी है इसके पास, तो अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन भी उसके साथ ऐड होती चली जाएगी, तो लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों को यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रोटेशनल ये हमने अभी कैलकुलेट की 1/4 एम वी स्क्वायर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का हम ऑलरेडी फार्मूला पढ़ते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, आपके पास ये 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं आप, तो इस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला यहाँ पर लिख दें आप। इनके दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच वेट और हाइट का मल्टीप्लीकेशन, और इधर आ जाएं एलसीएम बना लें बेटा 4, यहाँ से एम वी स्क्वायर रहेगा, इधर से 4 से डिवाइड करेंगे 2 को, आंसर बचेगा 2, वो 2 इस एम वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर यहाँ 1 के साथ है 2, तो 3 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 3/4 एम वी स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। इधर से एम जी एच था, एम से एम को कैंसल आउट कर दें, हमने बेटा स्पीड ऑफ द डिस्क कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड का फार्मूला दोनों तरफ से बेटा आपने क्या कर लेना है, अंडर रूट कर लेना है, तो जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी 4GH, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट कर लें दोनों तरफ से, तो वी का रिलेशन हमारे पास आता है स्पीड ऑफ द डिस्क बराबर होगा 4/3 GH अंडर रूट। तो यहाँ से दूसरा एक होप के लिए अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया। अब इस हुप के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर के बराबर है, यहाँ हम ऑलरेडी पहले इसको देख चुके हैं एम आर स्क्वायर, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो हाफ तो वैसे रहेगा, इनर्शिया की जगह पर एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर वैसे ऑलरेडी मौजूद था ये यहाँ पर लिखें। फिर से वही चीज़, लीनियर वेलोसिटी इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये आर ओमेगा के बराबर, तो वी स्क्वायर बनेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। फिर अगर स्पीड का फार्मूला निकालना चाहेंगे, स्पीड ऑफ हुप, वो फार्मूला अगर हम लेना चाहेंगे बेटा, तो यहाँ हुप हाइट के ऊपर मौजूद थी, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे वो मूव करती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती चली जाती है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी बेटा एम जी एच के बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी दोनों तरह की, रोटेशनल भी आएगी और ट्रांसलेशनल भी आएगी, रोटेशनल अभी हमने देखा हाफ एम वी स्क्वायर है, ट्रांसलेशनल ऑलरेडी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो इसे एम वी स्क्वायर लिखा जा सकता है, मैथ दोनों तरफ है कैंसिल आउट कर दें। अब इस वी स्क्वायर के लिए आप इधर से अंडर रूट कर लें, तो वी स्पीड ऑफ द हुप बराबर होगा जी एच अंडर रूट के, अगर गौर करना चाहें तो स्पीड ऑफ द डिस्क 4/3 जी एच अंडर रूट, जबकि स्पीड ऑफ द हुप आपके पास जी एच अंडर रूट है, जो जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर पहुँचते हुए आपको स्पीड ऑफ द डिस्क लार्जर होती है,
कि एक इंक्लाइंड प्लेन के आखिरी पॉइंट के ऊपर पहुंचते हुए जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे हुप और डिस्क को, तो डिस्क की स्पीड ज़्यादा होती है बनिस्बत हुप के। तो इसीलिए ये रिलेशन साबित करने के लिए भी अक्सर आपसे पूछते हैं कि हुप और डिस्क को एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा गया है, साबित करें कि डिस्क की जो स्पीड है वो लार्जर होती है, तो आपने ये रिलेशन कैलकुलेट करने होते हैं। यहाँ तक बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हम इसकी अमूमी तौर पर एक तो एप्लीकेशन ये थी आपके पास के फ्लाई व्हील के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसके एक और एप्लीकेशन है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए आपकी बाइक्स के क्लच सिस्टम के अंदर इस्तेमाल की जाती है। आपने अमूमी तौर पर पढ़ा होगा कि किसी भी एक बाइक के इंजन के अंदर आपके पास क्लच प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के उसूल के ऊपर काम करती हैं। किस तरह से? हियर इज बेटा रोटेशनल कोलाइजन, और आपकी इसके पास एग्जांपल कौन सी है? क्लच की है, क्लच ऑफ योर बाइक्स। तो क्लच प्लेट्स किस तरह से काम कर सकती हैं? लेट्स से फर्ज कर लें दो प्लेट्स हैं आपके पास, वन टू, पहली प्लेट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है और ये एक एंगुलर स्पीड ओमेगा वन के साथ रोटेट कर रही है, दूसरी प्लेट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर फर्ज कर लिया जाए कि आई टू के बराबर है और इसकी एंगुलर स्पीड को ओमेगा टू से रिप्रेजेंट कर लिया जाए, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ती हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये एक फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ के साथ हरकत कर रही होती हैं और इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई वन प्लस आई टू के बराबर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर तो इनके ऊपर किसी किस्म का कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो उस केस के अंदर इन दोनों की जो एंगुलर स्पीड्स थी वो कंबाइन हो जाएंगी, ओमेगा एफ के बराबर हो जाएंगी और इनके इनर्शिया भी बेटा आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक कोलाइजन से पहले टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी के दो प्लेट्स थी आपके पास, इनके जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है इनका मजमुआ बराबर होगा कोलाइजन के बाद के एंगुलर मोमेंटम के बराबर। तो कोलाइजन के बाद एंगुलर जो मोमेंटम इनका हो जाता है ओमेगा एफ और इनटू आई वन प्लस आई टू। तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि आपके से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है, जो कि रोटेशनल कोलाइजन के दौरान के अगर दो रोटेट करती हुई बॉडीज आपस में कोलाइड कर जाएं और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो कर रही हूँ तो ये उनके ऊपर किस तरह से लॉ एप्लीकेबल होगा, ये छोटी सी एप्लीकेशन हमने देखनी थी। तो ये था बेटा आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि स्पीड ऑफ डिस्क और स्पीड ऑफ हुप हमने कैलकुलेट करनी थी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इनके लिए वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेता है। तो आपने ये स्पीड के रिलेशन इन दोनों के कैलकुलेट नहीं करने, जस्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन तक कैलकुलेट करने के बाद आपने इसे क्लोज आउट कर देना है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।